दोस्तों इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का तीसरा मुकाबला खेला गया, जहां ऋतुराज गायकवाड़ की शतकीय पारी ने इंडिया का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया और ऑस्ट्रेलिया की ओर से ग्लेन मैक्सवेल ने धुआंधार शतकीय पारी खेली और मैच को आखिरी तक ले गए और लास्ट बॉल पर चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया को यह मैच जिता दिया और ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले को 5 विकेट रहते जीत गई और सीरीज में भी अपनी पकड़ बनाए रखे। तो दोस्तों जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक, तो बताएंगे मैच से जुड़ा सारा हाईलाइट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये घमासान मुकाबला आसाम के गुवाहाटी में खेला गया, जहाँ ऑस्ट्रेलिया इस बार भी टॉस जीत कर बॉलिंग करना चुना, बैटिंग करने आए। इंडिया की शुरुआत काफी खराब रही और इंडिया के विकेट काफी जल्दी गिर गए और यशस्वी जयपाल मात्र 6 बॉल खेल कर 6 रन बना पाए और जेसन बैरन ड्रॉप की बॉल पर विकेटकीपर मैथ्यू वेट के हाथों आउट हो गए और वहीं दूसरे नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 गेंदों पर 123 रन की शतकीय पारी के लिए, इसके चलते उन्होंने 7 छक्के और 13 चौके भी लगाए और वह पारी में नॉट आउट रहे। और वहीं तीसरे नंबर पर ईशान किशन ने मात्र 5 बॉल खेली और वह डक पर आउट हुए और केन रिचर्डसन ने उनका विकेट लिया। और वहीं चौथे नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 29 गेंदों पर 39 रन की पारी के लिए, इसके चलते उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के भी लगाए और वह हार्दे की बॉल पर आउट हुए। और वहीं तिलक वर्मा ने भी 24 बॉल खेलकर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ अच्छी साझेदारी की और 31 रन की पारी भी खेली और वहीं इसके चलते उन्होंने 4 चौके भी लगाए और ऋतुराज गायकवाड़ की शतकीय पारी के चलते इंडिया 20 ओवरों में 3 विकेट खोकर 222 रन का विशाल स्कोर ऑस्ट्रेलिया के सामने रख दिया। और वहीं ऑस्ट्रेलिया की ओर से रिचर्डसन ने 1 विकेट निकाला और बैरन ड्रॉप और हार्दे ने 1-1 विकेट निकाला और बाकी बॉलर ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। और वहीं बात करें ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की, तो ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत काफ़ी अच्छी रही और अशतकीय साझेदारी भी देखने को मिली दोनों ओपनर के बीच। और वहीं ट्रेविस हेड ने 18 बॉल खेलकर 35 रन की धुआंधार पारी भी खेली, इसके चलते उन्होंने 8 चौके भी लगाए और आवेश खान की बॉल पर आउट हो गए। और वहीं हार्दे ने भी 12 बॉल खेलकर 16 रन बनाए और वह भी अर्शदीप सिंह की बॉल पर आउट हुए। और वहीं जॉस इंग्लिश पहले मैच में शतक भी रहे, वह अपने लास्ट के 2 मुकाबलों में ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और इस मैच में भी 10 रन बनाकर आउट हो गए। और वहीं चौथे नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल का भी तूफान देखने को मिला, उन्होंने मात्र 45 बॉलों पर 104 रन की शतकीय पारी खेली और इस मैच को एक तरफा भी जिता दिया और इसके चलते उन्होंने 8 छक्के और 8 चौके भी लगाए और उसके चलते उनका स्ट्राइक रेट 216 का भी रहा और वह पारी में नॉट आउट रहे और ऑस्ट्रेलिया को जिताकर भी लौटे। और मार्कस स्टोनिस मात्र 17 रन बना पाए, मैथ्यू वेड ने 28 रन की पारी खेली और इसके चलते उन्होंने 1 छक्का और 3 चौके भी लगाए और मैक्सवेल के साथ काफी अच्छी साझेदारी भी की और ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले को 5 विकेट रहते आसानी से जीत लिया और मैक्सवेल ने आखिरी बॉल पर लिंग शॉट लगाकर ऑस्ट्रेलिया को जिता दिया। और वहीं इंडिया की ओर से ज्यादा विकेट रवि बिश्नोई ने 2 निकाले और आवेश खान, अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह ने 1-1 विकेट निकाला। और वहीं ऑस्ट्रेलिया इस जीत के साथ 2-1 से सीरीज में पकड़ बनाए रखे। और दोस्तों आपको क्या लगता है अगले मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।